भिखारी के वेश में था। दूसरा एक लड़का था जो पीले हुडी से बनी एक कच्ची शेर की पोशाक में था। लड़ाई के बाद उन्होंने शेर से कहा कि वह बस में वापस नहीं आ सकता। उन्होंने कहा, इससे पहले कि वह हट जाए, उन्होंने शेर को हरी हॉकी जर्सी पहने एक आदमी से बात करते देखा। लवलीन की मृत्यु के दो दिन बाद ट्रेविस स्टे नामक एक नर्सिंग छात्र पुलिस मुख्यालय में चला गया। उसने सुना था कि पुलिस पीली हुडी पहने एक व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो शनिवार को ब्रोकन ड्रम में था। 23 साल के स्टे ने पुलिस को बताया कि शिकारी की पोशाक पहने एक व्यक्ति ने पार्किंग स्थल में उस पर मुक्का मारा था। उन्होंने उसके चेहरे पर चोट के निशान और हाथों पर चोट के निशान देखे। उसने जासूसों को बताया कि उस रात उसने हुडी से बनी पीले शेर की पोशाक पहनी हुई थी और उसने इसे कूड़े में फेंक दिया था। तुमने इसे फेंक क्यों दिया, जासूस डुआने साइमन ने पूछा। क्योंकि यह खून से भरा था, स्टे ने उत्तर दिया। स्टे ने एनबीसी न्यूज को बताया कि उसने पुलिस को अपनी पोशाक बरामद करने दी और उन्हें अपने जूते दे दिए जिन पर खून लगा था। यह सब बिना किसी तलाशी वारंट या किसी वकील की मौजूदगी के, क्योंकि वह निर्दोष था। उन्होंने कहा कि वह उस रात इतने नशे में थे कि उन्हें याद नहीं रहा कि बार में क्या हुआ था या लवलीन से बात नहीं कर सके, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। स्टे ने कहा, मैं बस इतना जानता था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब डीएनए परिणाम वापस आए तो स्टे के हुडी और पैंट पर कुछ खून पीड़ित के खून से मेल खाता था, और जबकि किसी ने स्टे को लवलीन पर मुक्का मारते हुए नहीं देखा था। बस सवारों ने कहा कि वह शिकारी के साथ लड़ाई में था, और फिर भी एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि स्टे ने उस शाम लवलीन की मृत्यु के बाद उस पर मुक्का मारा था। स्टे को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। अभियोजकों ने उसे एक समझौते की पेशकश की, अगर वह हत्या का अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे 10 साल से कम की जेल होगी। वह कहते हैं, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ठुकरा दिया। मुकदमे के दौरान अभियोजकों ने स्टे को एक लड़ाई में घायल और क्रोधित हारे हुए व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, जिसने उसकी सहायता के लिए आए अच्छे सामरी पर हमला किया। उन्होंने यह कहने के लिए गवाहों को खड़ा किया कि उन्होंने लवलीन को पीले रंग के लड़के से बात करते हुए देखा है। जूरी सदस्यों ने यह भी सुना कि लवलीन ने अपने घर जाते समय एक अजनबी के साथ कैसा व्यवहार किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, जासूस माइक शोल्स ने कहा, कोई भी अन्य पोशाक उस पंजे से मेल नहीं खाती जो अपराध स्थल पर छोड़ा गया था। लेकिन जूरी सदस्यों ने राज्य के मामले में खामियां देखी, जैसा कि उन्होंने बाद में एनबीसी न्यूज को बताया। एक बात के लिए, लवलीन 6'3" और 240 पाउंड का था। स्टे लगभग 6 इंच छोटा और 80 पाउंड हल्का था। बचाव पक्ष ने एक रक्त छींटे विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी प्रदान की, जिसमें कहा गया था कि लवलीन का खून कई तरीकों से स्टे पर जा सकता था। हो सकता है कि स्टे पहले से ही घायल लवलीन की मदद करने की कोशिश कर रहा हो। और ईआर के एक डॉक्टर ने कहा कि स्टे के हाथों पर लगे घाव इतने गंभीर नहीं थे कि किसी आदमी की पिटाई से मौत हो जाए। बचाव पक्ष के वकीलों ने पार्टी बस में अन्य वेशभूषाधारी पात्रों पर संदेह को पुनर्निर्देशित करने का प्रयास किया। जब लवलीन स्टे की मदद के लिए बाहर आई तो शायद उनमें से एक या अधिक पात्रों ने उन दोनों को पीछे छोड़ दिया था। स्टे ने कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने हम दोनों को पीटा। बचाव पक्ष संदेह पैदा करने में सफल रहा। कई जूरी सदस्यों ने एनबीसी न्यूज को बताया कि उन्हें आश्चर्य है कि विदूषक ने आंसुओं के साथ रात क्यों समाप्त की। लेकिन उन्हें लगा कि साक्ष्य के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक समय रेखा थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि जब लवलीन पर हमला हुआ तो पार्टी बस पहले ही निकल चुकी थी और वह और स्टे पार्किंग में अकेले थे। हालांकि ब्रोकन ड्रम के निगरानी टेप ने अन्य संभावनाओं का सुझाव दिया। टेप पर लवलीन के आखिरी बार बार छोड़ने के 3.5 मिनट बाद जोकर पोशाक पहने व्यक्ति को बार से बाहर निकलते देखा जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि पार्टी बस अभी तक रवाना नहीं हुई थी, क्योंकि हर कोई इस बात पर सहमत था कि जोकर ने ब्रोकन ड्रम को बस में छोड़ दिया था। यदि बस अभी भी बाहर थी तो लवलीन, स्टे और बस के कुछ पोशाकधारी लोग कम से कम 3.5 मिनट तक पार्किंग स्थल में एक साथ हो सकते थे। 9 दिनों की सुनवाई के बाद ट्रेविस स्टे को बरी करने में जूरी सदस्यों को 5 घंटे लग गए। एनबीसी न्यूज ने चरवाहे, निर्माण श्रमिक और गैंगस्टर से संपर्क किया।
उन्होंने कैमरे पर साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया, लेकिन एक फोन साक्षात्कार में कहा कि लवलीन की मौत में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। अभियोजकों का कहना है कि उनमें से कोई भी लवलीन की मौत का संदिग्ध नहीं है। जासूस माइक शोल्स, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने कहा कि उन्हें अभी भी विश्वास है कि स्टे के खिलाफ सबूत मजबूत हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कोई भी भौतिक सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि कोई और इसमें शामिल था। ग्रैंड फोर्क्स पुलिस विभाग मामले को बंद मानता है और अभियोजकों ने सबूतों को नष्ट करने की अनुमति दी है। हीदर इस्टलिंग का कहना है कि वह फैसले से तबाह हो गई थी और अभी भी बरी होने के फैसले को समझ नहीं पा रही है। अगर वह वास्तव में दोषी नहीं है तो कौन है, उसने पूछा। किसी को कुछ पता है। ट्रेविस स्टे कभी नर्स नहीं बनी। अब 29 वर्ष की उम्र में वह लॉ स्कूल का